हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 8 वर्ड्स इन द मेल बॉक्स। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पोयम है, तो सबसे पहले हम ये पोयम रीड करेंगे एंड देन एक्सप्लेन इट। ओके। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विथ लेटर्स 2 or 3 दे आर फॉर माई मदर और माई डैड बट नेवर वन फॉर मी। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स तो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू। तो यहाँ पे जो पोएट है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे टू स्तंजा है पोएम में। तो जो पोएट है, पोएट क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विथ लेटर्स 2 or 3 कि हमेशा मेरे घर पे पोस्टमैन जो है वो आता है, जो पोस्टमैन अंकल है वो आते हैं, तो उनके हैंड में कितने लेटर्स होते हैं, 2 or 3 होते हैं। दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, लेकिन जो लेटर्स होते हैं या तो मेरी मम्मी के लिए होते हैं या तो मेरे डैडी के लिए, पापा के लिए होते हैं। बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन उसमें से कोई भी लेटर्स जो है वो मेरे लिए नहीं होता है। तो पोएट क्या सोचते हैं, आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी एंड आई विल गेट लेटर्स टू। तो मेरे जो वो क्या सोचते पोएट कि मैं भी कुछ लेटर्स राइट करूँगा मेरे फ्रेंड्स को, फिर मेरे जो फ्रेंड्स है वो भी मुझे लेटर्स राइट करके मुझे आंसर देंगे, तो जो पोस्टमैन अंकल है वो मेरे लिए भी लेटर्स लाएंगे और फिर मैं भी लेटर्स जो है वो रिसीव करूँगा। यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि उनके घर पे पोस्टमैन अंकल जो आते हैं बहुत, मतलब 2 or 3 लेटर्स लेके आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लेटर्स जो होता है वो उनके लिए नहीं होता है, उनके मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक के लिए लेटर्स होता है और वो रिसीव करता है। तो उनको ये बहुत ही पसंद आता है कि यार मेरे लिए भी कोई लेटर्स आए और मैं भी लेटर्स जो है वो रिसीव करूँ। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं भी कुछ लेटर्स जो है मेरे फ्रेंड्स को राइट करूँगा और फिर मेरे फ्रेंड्स भी है ना मुझे आंसर देंगे, तो पोस्टमैन अंकल जैसे मेरे मम्मी और पापा के लिए लेटर्स लेके आते हैं वैसे मेरे लिए भी लाएंगे और मैं भी फिर लेटर्स जो है वो रिसीव करूँगा। ओके। तो ये पोयम आपको अच्छे से रीड करना और अच्छे से समझना। ओके। और यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है, LETERS लेटर्स, ऑलवेज ALWAYS ऑलवेज, नेवर NEVER नेवर, THOUGH दो। ओके। तो मैं इसके हार्ड वर्ड और वन मीनिंग सेंड कर दूंगी, वो भी आप अच्छे से राइट एंड रीड करना। ओके। थैंक यू सो मच।